इंग्लिश से भागने वाला शख्स इंग्लिश पढ़ाने वाला कैसे बना? बेसिकली क्या हुआ कि जब मैं क्लास सेवेंथ में था तब तक तो मेरा स्कूल ठीक जा रहा था, तो अचानक सेवेंथ क्लास में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने स्कूल को इंग्लिश मीडियम कर दिया, तो मैंने इसको अपने ऊपर तारी कर लिया खौफ के तौर पे। हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को एक खौफ के तौर पे अपने ऊपर तारी कर लेते, तो वहाँ से मैं इंग्लिश से भागा और फिर एट दी एंड मेरी मदर को मेरा स्कूल चेंज करना पड़ा। जब मैं ग्रेजुएशन में पहुँचा मैंने कहा यार बस, एक साल का अरसा लगा, मैंने ब्रिटिश काउंसिल की मेंबरशिप ली, मैं कई कई घंटे 8-10 घंटे यानी सुबह नाश्ता करके जाता था, रात को घर वापस आता था, जब लाइब्रेरी बंद होती थी लाइब्रेरियन खुद कहता था कि भाई घर जाओ काफ़ी हो गया आज के लिए। इंग्लिश को मैंने अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया और एक साल के बाद जिस जबान से मैं भागता था उसी जबान को मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों आखिर क्या वजह है कि 16 साल तालीम के बावजूद भी हम जब भी इंग्लिश बोलने लगते हैं तो हमसे नहीं बोली जाती, हम हेजिटेशन महसूस करते हैं, हमें ये लगता है कि लोग हमारी गलतियाँ निकालेंगे और इसी डर खौफ और शर्मिंदगी के बायस हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। इसके साथ साथ जो लोग आइल्स की तैयारी कर रहे होते हैं वो हमेशा इस बात को लेकर खौफजदा होते हैं कि हमारे अच्छे बैंड्स नहीं आएंगे या फिर हम घर बैठ कर तैयारी किस तरह कर सकते हैं, हमारी तो रीडिंग अच्छी नहीं है, हमारी तो लिसनिंग अच्छी नहीं है, हमारी तो राइटिंग अच्छी नहीं है, हमारी तो स्पीकिंग अच्छी नहीं है। इन तमाम मॉड्यूल्स पर हम बात करेंगे इस इंटरव्यू में। हमारे साथ मौजूद हैं असद याकूब साहब जो पिछले 20 सालों से आइल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरम असद याकूब साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। अच्छा असद भाई, आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, आप कहते हैं कि मैं खुद इंग्लिश से भागता था, ठीक है, तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि मतलब इंग्लिश से भागने वाला शख्स इंग्लिश पढ़ाने वाला कैसे बना, क्योंकि आज आपके हज़ारों सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, आपकी वीडियोस वायरल हैं। जो भी शख्स आइल्स की तैयारी करता है, इवन कि मैंने खुद जब तैयारी करा था आइल्स की तो मैंने खुद आपकी वीडियोज़ को देखा, वहाँ से मैंने रहनुमाई ली, तो बहुत से लोग आपकी वीडियोज़ को सुनते हैं, मगर वो सफ़र कैसे रहा कि किस तरह आप इंग्लिश से भागते थे, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी, बिल्कुल पसंद नहीं थी, और आज उसे पढ़ाते हैं, बिल्कुल मास्टर हैं उसके? बेसिकली क्या हुआ कि जब मैं क्लास सेवेंथ में था तब तक तो मेरा स्कूल ठीक जा रहा था, तो अचानक सेवेंथ क्लास में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने स्कूल को इंग्लिश मीडियम कर दिया। इंग्लिश मीडियम भी क्या था कि जी मैथ्स इंग्लिश में होगा, साइंस इंग्लिश में होगी, इससे पहले मैं मैथ्स और साइंस उर्दू में पढ़ रहा था, सिर्फ एक इंग्लिश सब्जेक्ट था, तो मैंने इसको अपने ऊपर तारी कर लिया खौफ के तौर पे। हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को एक खौफ के तौर पे अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, मेरे ऊपर ये खौफ तारी हो गया और मैंने अपनी मदर को भी कन्विंस कर लिया कि जी इंग्लिश मीडियम हो गया है, स्कूल मैं कैसे पढ़ूंगा, क्या होगा, तो वहाँ से मैं इंग्लिश से भागा और फिर एट दी एंड मेरी मदर को मेरा स्कूल चेंज करना पड़ा, मुझे एक ऐसे स्कूल में डाल दिया जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश में थी, बाकी सब कुछ उर्दू में था। अच्छा, ये सिलसिला चलता रहा, मतलब मैं एक चीज़ है कि मैं इंग्लिश में कभी फेल नहीं हुआ लेकिन पासिंग मार्क्स मैं समहाउ ले लेता था। करते करते मैंने मैट्रिक पास किया, इंटरमीडिएट पास किया, जब मैं ग्रेजुएशन में पहुंचा मैंने कहा यार बस, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। मुझे एक टीचर मिले जिन्होंने मुझे वाकई इंस्पायर किया, उनकी लैंग्वेज को सुन के मुझे लगा कि काश अगर मैं भी ऐसा बोलना शुरू कर दूँ इंग्लिश तो कितना अच्छा होगा। तो वो फिर मैंने क्लासेस ज्वाइन की, एक साल का अरसा लगा, मैंने ब्रिटिश काउंसिल की मेंबरशिप ली, मैं कई कई घंटे 8-10 घंटे यानी सुबह नाश्ता करके जाता था, रात को घर वापस आता था, जब लाइब्रेरी बंद होती थी लाइब्रेरियन खुद कहता था कि भाई घर जाओ काफ़ी हो गया आज के लिए। तो वो मैंने टाइम गुजारा इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर, लिसनिंग, रीडिंग, इतनी मैंने किताबें, यानी इंग्लिश को मैंने अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया और एक साल के बाद जिस जबान से मैं भागता था उसी जबान को मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक, वो कहते हैं ना जिस चीज़ से आपको खौफ आता है उस खौफ का सामना करें, तो आपने डट के सामना किया। बिल्कुल, मतलब शुरू में तो मैं सामना कर ही नहीं पाया, भागता रहा, लेकिन जब मैंने इंग्लिश के बैल को उसके सींगों से पकड़ लिया उसके बाद वही इंग्लिश जिससे मैं भागता था मेरी पहचान बन गई। मतलब एक दौर था, मुझे अच्छी तरह से याद है, 8-10 साल मैं एज अ स्पोकन इंग्लिश टीचर मशहूर रहा, लोगों में जो मेरी वजह शोहरत थी वो स्पोकन इंग्लिश थी, और मेरी मदर मुझ पर हंसती भी हैं और तंज भी करती हैं कि बेटा इंग्लिश से भागने वाला तू और आज तू इंग्लिश ही पढ़ाता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा असद भाई, अगर आप देखें आपका 20 साल का तजर्बा है, आप 20 साल से पढ़ा रहे हैं इंग्लिश को, तो क्या वजह है कि हम 16 साल एजुकेशन के बावजूद, 18 साल एजुकेशन के बावजूद हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं,
क्या इंग्लिश हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है, हमारे माशरे में नहीं बोली जाती, हमारे घरों में नहीं बोली जाती, इस वजह से हेजिटेशन है। ये एजुकेशन सिस्टम में हम उसे पढ़ाते ही नहीं हैं इस तरह से कि कोई फ्लुएंटली उसको बोल सके। बेसिकली दोनों तरह से है। एजुकेशन सिस्टम तो अब काफ़ी बेहतर है, अभी जो हमारे प्रेजेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो एक अच्छा मतलब लेवल है उसका, जो बुक्स हैं सिलेबस है बहुत अच्छा है। बेसिकली यहाँ पर आपके मुराद कौन से स्कूलों से, मतलब हमारे जो आम गवर्नमेंट स्कूल्स भी प्राइवेट स्कूल्स, मतलब आप किसी भी स्कूल में चले जाएं वहां पे जो इंग्लिश पढ़ाई जा रही है वो बड़ी मायारी है। ठीक है प्रोनंसिएशन में एक्सेंट में थोड़ा फर्क होगा लेकिन जो लैंग्वेज वो टीच कर रहे हैं वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की है। और बेसिकली पता है क्या, एक चीज होती है हेजिटेशन कि जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं हमें सबसे पहले क्या होता है, हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूं और आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं ये देख रहा हूं कि श्वेब मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, कि श्वेब मुझे देख के हंस तो नहीं रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी इंसर्ट हो जाए। तो ये जो फीलिंग्स है ना हम लोग खुद को एवेल्युएट करते रहते हैं। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज है, आपने कभी सुना होगा किसी नॉन नेटिव स्पीकर को उर्दू बोलते हुए, मतलब अगर कोई अंग्रेज उर्दू बोलता है सीखता है, मेरी एक स्टूडेंट थी स्टेला क्रेच, स्कॉटलैंड से उनका ताल्लुक है, उन्होंने उर्दू सीखी और वो उर्दू बोलती थी अस मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे बोलती थी और उनको हम अप्रिशिएट करते थे, बड़ा खुश होते थे हमारी जबान बोल रहे हैं। और हमारे यहाँ पे किसी बंदे ने अगर इंग्लिश गलत बोल दी कहते हैं देख यार इसने इस एमआर के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ये कह रहा है आई एम लर्न इंग्लिश, ऐसा नहीं होता, हम मजाक उड़ाते हैं। तो एक तो ये, और दूसरा पता है क्या, हमें अपने आप को फॉर द टाइम बींग जब हम लैंग्वेज सीख रहे हैं हमें अपने आप को जो एवेल्युएशन वाला प्रोसेस है ना लोगों की उससे डिस्कनेक्ट करना होगा, स्टार्ट करें और लैंग्वेज को, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप गलत लैंग्वेज बोलते जाएं। कई ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं बड़े कॉन्फिडेंटली इंग्लिश की जो है वो टांगे तोड़ रहे होते हैं, इस तरह के भी लोग हैं, लेकिन आप लैंग्वेज को साथ साथ सीखें भी। और सीखना क्या है, रीडिंग आपकी बहुत अच्छी इनपुट है, आजकल लिसनिंग बहुत अच्छी इनपुट है, आप इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने, आप मूवीज में सबटाइटल को देखें, इनपुट भी करें आउटपुट भी करें तो इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा था असद भाई, जब हम स्कूल्स में पढ़ते हैं इंग्लिश को, ठीक है मैट्रिक तक हमने पढ़ा, तो हम उस तरह से इंग्लिश नहीं बोल सकते, उस तरह से हमारी लिसनिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती, उस तरह से हमारी राइटिंग स्किल भी नहीं अच्छी होती। लेकिन जब हम कोई आइल्स का कोर्स करते हैं या स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करते हैं 2 महीने का, 2.5 महीने का, 3 महीने का, तो वो 3 महीने का कोर्स करके हमारी स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती हैं, हालांकि हम मैट्रिक तक FSC तक पढ़ने के बावजूद इतनी इंप्रूवमेंट नहीं आती। तो वो 3 महीने के कोर्स में ऐसी कौन सी डोज देते हैं जो स्कूल और कॉलेजेस नहीं देते? अच्छा बेसिकली पता क्या है वो, अच्छा मैं यहाँ पे ओवरऑल बात कर रहा हूँ, लाहौर में मैंने देखा है माहौल काफी अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही हम लोअर पंजाब की तरफ चले जाएं, क्योंकि मैं खुद लोअर पंजाब से हूँ, तो ये चीज कम होती चली जाती है, बहुत कम होती चली जाती है। बेसिकली पता है क्या, ये जो लैंग्वेज सेंटर्स हैं जहाँ पे आप जाते हैं और आपको लगता है कि 2 से 3 माह में आपने अपनी इंग्लिश को उतना बेहतर कर लिया जितना आप स्कूल्स में कॉलेजेस में नहीं कर पाए, वो क्या करते हैं आपके पुराने जूतों को ही चमकाते हैं, मतलब आपके शूज वही हैं जिनको वो पॉलिश करते हैं चमकाते हैं। होता क्या है, हमारे स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में ज़्यादातर इंग्लिश पढ़ाई जाती है एज अ सब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स को भी पता है कि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं उनकी डिमांड ये है कि इतना याद कर लो, इतना लिखना है, इतने नंबर आ जाएंगे। बाज़ुकात ये होता है कि अगर आप वर्ड फॉर वर्ड लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, और अगर आप अपनी कहीं क्रिएटिविटी लगाने की कोशिश करते हैं कुछ जगह पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर आपके नंबर काट लिए जाते हैं। तो जब आप जाते हैं लैंग्वेज सेंटर में वो आपको इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट नहीं करवाते, वो कहते हैं हाँ भाई बच्चे सामने आ जाओ स्टेज पर, अब सर आप बताओ अपनी डेली रूटीन, अब बताओ आपने कल क्या किया, अब बताओ आपके एम्बिशंस क्या, फिर वो आपसे प्रेजेंटेशंस लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो आपका शुरू का नॉलेज सारा होता है उसको यूटिलाइज कर देते हैं एज अ लैंग्वेज। अलमिया ही यही है कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट तो पढ़ाते जा रहे हैं और फिर कुछ जगहों पर बच्चों को समझ भी तब आता है जब आप बोलें दिस इज अ ब्लैक कैट, ये एक काली बिल्ली है, ब्लैक काला कैट बिल्ली। अगर आप देखें हमारा ब्रेन लैंग्वेज को डायरेक्टली भी परसीव कर सकता है। मैंने एक बड़ा अच्छा कोर्स बनाया थिंक एंड टॉक स्पेनिश, अरे वाह, और उस कोर्स में क्या, देखिए आपको स्पेनिश नहीं आती लेकिन मैं आपके साथ स्पेनिश में कम्युनिकेट कर सकता हूं। अब फर्ज करें अगर मैं आपको कहता हूं उनो दोस, उनो काउंटिंग दोस काउंटिंग, आपको समझ आ गई 1 2, अगर मैं आपसे कहता हूं गातो म्याओ, गातो म्याओ, आपको समझ आ गई कि गातो जो है वो कैट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है, ये थिंक एंड टॉक। तो अगर इस तरीके से बच्चों को सिखाया जाए, यानी हम क्या करते हैं दरमियान में एक लैंग्वेज डाल देते हैं कि दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है, वो बच्चा अगर लाल सेब देख के उसने पढ़ा तो सबज सेब आएगा, नहीं जी वो मैं लाल सेब को ही सेब कहूंगा इसको नहीं कहूंगा। तो ये अगर चीजें ओवरकम हो जाए तो लैंग्वेज सेंटर वाले यही करते हैं, वो आपको लागे खड़ा कर देते हैं सामने स्टेज पे, फिर आप खपते हैं प्रेजेंटेशंस याद करते हैं,
प्रिपेयर करते हैं उसको अच्छी तरह एंड देन यू डिलीवर। बिल्कुल ठीक। अच्छा असद भाई, अगर यही मॉडल, ठीक है, मैं कुछ स्कूलों के मालकान को जानता हूँ जिन्होंने यही मॉडल उठाकर अपने स्कूल्स में इम्प्लीमेंट किया है कि इसे एज अ सब्जेक्ट हमने नहीं पढ़ाना, इसे एज अ लैंग्वेज हमने लेके चलना है, ठीक है, और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपके मुताबिक ये मॉडल किस तरह का है कि अगर हम यही मॉडल स्कूल में शिफ्ट कर दें? अच्छा, अब उसमें ये है कि जब हम इस मॉडल को स्कूल में शिफ्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले तो आपको देखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में क्या है। अगर आपके पास 50 स्टूडेंट्स की क्लास है और आप उनसे 1 मिनट की प्रेजेंटेशन भी लेते हैं तो वो 50 मिनट्स तो आपके गए, नंबर वन। नंबर टू, हमने ये देखना है कि टीचर की अपनी रिसोर्सफुलनेस क्या है, मतलब जो टीचर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट बड़े कॉन्फिडेंटली पढ़ा रहे हैं क्या वो टीचर इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज भी पढ़ा सकते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे टीचर्स को जानता हूँ जो लिटरेचर में बहुत अच्छे ज़बरदस्त, मतलब मेरे पास खुद आते हैं, मुझे खुद अपने अंदर हंसी आती है कि मैं वही इंसान जो इंग्लिश से भागने वाला, ठीक है, तो वो क्या होता है कि लिटरेचर और अपना जो लेक्चर डिलीवर करना वो सारा कर लेंगे, लेकिन जब उनसे आम लैंग्वेज में आप बातचीत करें तो उसमें वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते। रीज़न क्या है? दे आर एक्चुअली नॉट यूज्ड टू इट। तो स्कूल्स में चाहिए कि थोड़ा सा फ्रेश जो वो टैलेंट है उसको लेके आए। लैंग्वेज टीचर जो है वो लिटरेचर टीचर से हटके होता है, थोड़ा सा आर्टिस्टिक स्टाइलिस्टिक उसका एक बोलने का स्टाइल, वो तभी लोगों को इंप्रेस कर पाते हैं। तो स्कूल्स में ये बहुत अच्छा मॉडल चल सकता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही जो स्कूल के टीचर्स हैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उन्हीं से कहते हैं जी अब आपने स्पोकन पढ़ाना है। वो बेचारे खुद भी सोच में पड़ जाते हैं कि हम लोग तो अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो स्पोकन को हम कैसे डील करेंगे। डेफिनेटली, एग्जैक्टली। तो अगर आप स्पोकन इंग्लिश के टीचर्स को लेके आए तो डेफिनेटली उससे फर्क पड़ेगा। अच्छा असद भाई, मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा था कि जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं और स्पोकन वाले टीचर्स हैं, क्या ये सब्जेक्ट टीचर्स का पार्ट नहीं है स्पोकन इंग्लिश? एग्जैक्टली, पार्ट तो है लेकिन फिर वो एक्सपर्ट क्यों नहीं होता? मैं बताता हूँ होता क्या है। जब भी आप लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज 3-4 तरह की होती है। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उसकी वोकैबुलरी उसका स्टाइल और है, एवरीडे इंग्लिश की आप बात करेंगे वो डिफरेंट है। अगर आप बात करते हैं मीडिया की इंग्लिश की जो आप न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स देखते हैं उसका स्टाइल और है, फिर आप बात करते हैं लिटरेचर की। अब एक साहब थे इंग्लिश लिटरेचर में, उन्होंने जनाब मास्टर्स किया और इंग्लिश बोलने का उनको शौक हुआ। कुछ लोग हमें से ऐसे हैं जो आपको अपनी इंग्लिश से इंप्रेस करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपको हार्ट अटैक हो मेरी इंग्लिश सुन के। और फिर जब अगले बंदे को वो क्या करते हैं, शेक्सपियरियन इंग्लिश कोई मोटा सा वर्ड निकाल लेंगे, अब आप सोच में पड़ जाएंगे यार इसका मतलब क्या है। और मैं दावे से कहता हूँ उस वर्ड का मीनिंग किसी अंग्रेज को भी नहीं आता होगा। मतलब आमतौर पे यही होता है। अब वो उनका काम क्या है, आपको इंप्रेस करना, वो आपको इंप्रेस कर रहे हैं और आप डिप्रेस हो रहे हैं कि मेरी इंग्लिश तो बहुत वीक है। इंटरनेशनल लेवल पे आजकल ब्रिटिश अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन हर इंग्लिश को उन्होंने सिंप्लीफाई किया है, कभी भी मुश्किल वर्ड नहीं बोलेंगे, आसान आसान वर्ड्स में कम्युनिकेट करेंगे। तो अगर हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं उन आसान वर्ड्स को पिक कर ले, 3,000 वर्ड्स हैं और उन 3,000 वर्ड्स में से हमारा जो 8वीं क्लास का स्टूडेंट है जिसने 8वीं की इंग्लिश को अच्छी तरह से पढ़ा है, अगर उन 3,000 वर्ड्स को वो सीख ले तो बड़ी अच्छी कंफर्टेबली इंग्लिश बोल सकता है। हम लोग अभी तक बाहर नहीं आ रहे, भला किस चीज से? लोटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये जो हमारे गुलाब जामुन है या गोल गप्पे हैं इसकी इंग्लिश क्या? भाई क्या करना है, अगर गुलाब जामुन की इंग्लिश पता चल भी गई तो क्या करना है? गुलाब जामुन तो डिश ही हमारी ईस्टर्न है, वेस्ट से तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो जब तक हम इन चीजों से बाहर नहीं आते, जब तक हम टीचर्स को फंसाते हैं जी वो चलते चलते रुक गया, सर जरा ट्रांसलेट करियो, अब वो सर बेचारे सोचने में लग जाते हैं कि चलते चलते वो रुक गया। और फिर हम लोग जो ट्रांसलेशन का मेथड यूज करते हैं, जैसे नहीं कहते माय हार्ट इज गार्डन गार्डन विद हैप्पीनेस वॉक स्लोली स्लोली आई एम टायर्ड, तो उससे जब तक हम बाहर नहीं आते ना तब तक ही चीजें मुश्किल होंगी। बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अच्छा सर, आप काफ़ी अरसे आइल्स करवा रहे हैं, बहुत से लोग आइल्स की तैयारी भी कर रहे हैं इस वक्त क्योंकि बहुत से लोग बाहर जाना चाहते हैं, तो मेन प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को कौन सी आती हैं? पहले हम प्रॉब्लम्स एड्रेस कर लेते हैं फिर उसके बाद हम सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जब भी कोई स्टूडेंट ये फैसला करता है कि मैंने आइल्स करना है, मेन जो उनको प्रॉब्लम आता है वो अच्छी गाइडेंस का है। मतलब होता क्या है, लोग अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं। आइट्स में बैंड स्कोर होता है। अब एक स्टूडेंट जिसने इंटरमीडिएट किया है वो कहता है जी मैंने 8 बैंड लेना है, 8 बैंड उसका नहीं आ सकता। मतलब आइट्स क्या है, एक इंग्लिश का सर्टन लेवल है, ये कोई उस तरह का एग्जाम नहीं है, ये सिर्फ एक टेस्ट है जो आपको बताता है कि आपकी इंग्लिश इस लेवल पे है, राइट? तो पहली चीज तो ये है। दूसरा ये है कि आइल्स में जो इंग्लिश होती है, अगर हम एकेडमिक आइल्स की बात करते हैं तो वो थोड़ी सी एकेडमिक और इंटरनेशनल स्टाइल की इंग्लिश होती है। उसमें लिसनिंग है, लिसनिंग में वैरायटी ऑफ एक्सेंट्स हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, तो स्टार्ट में थोड़ा सा स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे लगता है रट्टा,
कि आपने जनाब 10 शॉर्ट स्टोरीज हैं तो 5 याद कर लो, इसमें से 4 क्वेश्चन तो पक्के हैं, आ ही जाएंगे। तो जब आप आइट्स करते हैं वो सारी क्रिएटिव राइटिंग है उसमें, मतलब आपने एसे लिखना है, आपने रिपोर्ट लिखनी है, आपने लेटर लिखना है, फिर उसकी लिसनिंग है, आपने अंग्रेज़ों की इंग्लिश को समझना है और आपने आंसर करना है। तो मतलब स्टार्ट में डिफ़िकल्टी ये होती है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, और जब एक दफ़ा आप स्टार्ट कर देते हैं लिसनिंग से, फिर ग्रेजुअली आपको समझ आना शुरू हो जाती है एंड देन यू फाइंड योर वे। उसमें आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाती हैं, बुक्स भी मिल जाती हैं, तो फिर आप खुद ही से समझ लेते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से करना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं शुरुआत लूँगा सबसे मुश्किल मॉड्यूल से जिसमें सबको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारे यहाँ रीडिंग कल्चर तो है ही नहीं, बिल्कुल ना ही उसे प्रमोट किया गया है उस तरह से, तो लोगों को रीडिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। जी जी ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है, हेडिंग देने में प्रॉब्लम आती है, तो रीडिंग को किस तरह जो है वो बेहतर कर सकते हैं, खासतौर पे वो लोग जो घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। देखिए, जहाँ तक आइल्स रीडिंग का ताल्लुक है और एकेडेमिक आइल्स रीडिंग का ताल्लुक है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल है। हमारे यहाँ करते क्या है जी, रीडिंग कम करते हैं, और अगर रीड करना है तो उसको ट्रांसलेशन मेथड के साथ आपने रीड करना है। लेकिन आयर्स में जो रीडिंग है उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं, आपने उनको आंसर करना है, मतलब वो आपके कॉन्सेप्ट्स चेक करते हैं कि आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। शायद बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टार्ट में जब हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम हुआ, कुछ देर में वहाँ पर टिका रहा, तो हम लोग ना मैथ का एक क्वेश्चन पढ़ते थे, इफ दिस फैक्टर ए इज दिस एंड दिस एंड दिस फाइंड द अदर। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम एक दूसरे से दोस्त जो है कहते थे कहंदा की है, कहंदा की है, ठीक है। फिर हम उसको ट्रांसलेट करते थे कि अच्छा, अगर एक बंदा ये कर रहा है तो उसका ये है, तो दूसरा फैक्टर आपने देखा है। तो हम अभी तक जो है ना इंग्लिश को इंग्लिश में अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। और इंग्लिश को इंग्लिश में आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, जब आप जो बोल रहे हैं उसी को सोचेंगे। आपका ब्रेन क्या करता है, आपका ब्रेन जो विजुअल इमेजेस अटैच्ड है वर्ड्स के साथ उनको पिक करता है। अगर आपने कैट को कैट में ही सोच लिया तो वो दिमाग में वर्ड आपके फीड हो जाएगा। तो सबसे मेन प्रॉब्लम है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का। उसके बाद फिर इसकी ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स का वर्ड वैसे पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन आयल्स की रीडिंग जो है उसकी ट्रिक्स हैं सर्टन, कि अगर आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कर रहे हैं तो क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है। एक सेमिनर का काम है आपको घुमाना, बिल्कुल ठीक, अच्छा खासा घुमाना रीडिंग में। तो वो सबसे पहली चीज कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, फिर आपकी स्किमिंग स्कैनिंग, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आप, और फिर मेन चीज है प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आप यकीन करें, जब मैं आयुष का ट्रेनर बना, मेरा अपना कोई ट्रेनर नहीं है जिसने मुझे पढ़ाया, मैंने खुद से ना टेस्ट सॉल्व करने शुरू किए। एक टेस्ट सॉल्व किया, बड़े गंदे मेरे आंसर्स आए, मतलब 40 में से मेरे ख्याल 10-15 सही हुए। मैंने कहा यार क्या मुसीबत है, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मुझसे ही नहीं हो रहा। वो करते करते फिर मुझे समझ आई कि अच्छा ये तरीका है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में ये फ़र्क है, मल्टीपल चॉइस को ऐसे करना है, इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। वो करते करते फिर वो टेक्निक्स मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की। बिल्कुल ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो सबसे ज़्यादा मुश्किल फेस करते हैं वो स्पोकन में करते हैं। जी जी मतलब स्पोकन में हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। जी जी और लोग जो है उसमें शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी ज़्यादा आती हैं। अच्छा, जो जो चीज़ें आप बता रहे हैं उस पर आपकी वीडियोज़ भी बनी हुई हैं यूट्यूब। जी जी बिल्कुल, उसके हम लिंक्स भी मैंशन कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें ये है स्पोकन, मेरा ख्याल आप आइल्स स्पीकिंग की बात। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आइल्स का जो स्पीकिंग टेस्ट है उसमें सबसे पहले जी हमारे जो लोग हैं ना उनको टेस्ट का खौफ है। एक मतलब एक ऐसी कैफियत आप पे तारी हो जाती है कि मेरा स्पीकिंग का टेस्ट है। हालांकि आयल्स का स्पीकिंग टेस्ट जैसे भी देखें, आप और मैं बैठ के बातचीत कर रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरह का सादा सा टेस्ट है। उसमें कोई जनरल नॉलेज नहीं है। उन्होंने आपसे क्वेश्चन करने, अब मैं आपसे क्वेश्चन करूँ जी आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपकी फेवरेट, आपको तो खुश होना चाहिए कि जी मुझसे मेरा फेवरेट कलर पूछ रहे हैं, मुझसे मेरी। आजकल कोई बंदा किसी की बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आयल्स के टेस्ट में एग्जामिनर अपना पूरा इंटरेस्ट आपको शो कर रहे होते हैं। तो पहली चीज़ यह है कि आपने चीजों के साथ खुद को कंफर्टेबल करने, और आपको बगैर सोचे पता होना चाहिए कि अगर किसी ने मेरा फेवरेट कलर पूछ लिया, अब एग्जामिनर आपसे कहे व्हाट्स योर फेवरेट कलर, अब आपने कहा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, माय फेवरेट कलर लास्ट ईयर इट वाज ब्लैक बट नाउ आई लाइक रेड कलर बिकॉज शी आल्सो लाइक्स रेड कलर और समथिंग लाइक दैट। तो वो आप सोच में पड़ जाते हैं। अब एक चीज ये होती है कि आप सोच के जवाब दें, एक ये होता है कि आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर करना है, भले वो आंसर रियलिटी बेस्ड है या नहीं है, थोड़ा एग्जैजरेट करें, ठीक है, जैसे स्टोरी टेलिंग स्टाइल होता है, तो आप बड़े अच्छे से जवाब दे सकते हैं हर क्वेश्चन का। वो आपका इंटेलेक्चुअल चेक नहीं कर रहे होते, बेसिकली लैंग्वेज को चेक कर रहे होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सर, अब रह गए हमारे पास राइटिंग और लिसनिंग। राइटिंग तो कर करके हम थोड़े से घिस चुके होते हैं, रगड़ा लग चुका होता है, कहीं ना कहीं हम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी राइटिंग और लिसनिंग के हवाले से कुछ मुख्तसर टिप्स अगर दे दें। बिल्कुल ठीक है। देखिए, राइटिंग जो है ना उसके आपके लिए डेल वीडियोस के लिंक भी हम शेयर करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये मैं नाज़रीन के लिए बता रहा हूँ,
ताकि हम डिटेल में यहाँ पे बात नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिंक्स हम मेंशन कर दें। राइट अच्छा, राइटिंग में ना आपको शायद याद हो कि जब हम लोग स्टूडेंट थे तो वो एक ऐसे होता था, उसमें कहते जी इसमें माय बेस्ट फेवरेट टीचर भी आ जाएगा, ये एक याद कर लो 10 याद हो जाएंगे, ठीक है। और हम लोग भी बड़े खुश होते थे कि हाँ एक याद कर ली है तो वर्ड चेंज करते जाएंगे तो वो बन जाएगा। तो आईएलटीएस के कुछ ट्रेनर है ना इस तरह के टेम्पलेट्स भी बनाए हुए हैं, दैट इज द प्लान फॉर डिजास्टर, कि टॉपिक कुछ और है, सेंटेंसेस कुछ और हैं और वो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। तो राइटिंग के लिए लोग माय फेवरेट फ्रेंड की जगह माय फेवरेट फादर लेकर आते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही होता है। एग्जैक्टली, तो उसमें मैं ये कहूंगा कि राइटिंग के लिए खास, और देखिए पता है क्या, आपने सबसे पहले ये देखना कि आपने लिखना क्या है, जो लिखना है वो बोलें, वो उसको पढ़ें। अगर आपने ऐसे लिखना है, अब आपको नहीं पता कि ऐसे को कैसे लिखना है, तो उसके लिए आप ऐसे पढ़ें। और जब भी कोई चीज पढ़ें आईएलटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए चार चीजें हैं जो आईएलटीएस का एग्जामिनर जो है उसको देखता है। एक आपका टास्क रिस्पॉन्स है, एक आपकी ग्रामेटिकल रेंज है, एक आपका लेक्सिकल रिसोर्स है, और एक आपकी कोहेरेंस एंड कोहिजन है। इन चार चीजों को अंडरस्टैंड करें, ढेर सारे एसेस पढ़ें। हर एसे में, अब जैसे नहीं होता लोग रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, उनको पता होता है क्या देखना है, लड़का देखने जाना मुंडे का कद, मुंडे की नौकरी, लड़की देखने जाना है कुड़ी का रंग, कुड़ी का बोलचाल, ये वो। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर ने मतलब समझ ले वो रिश्ते वाला काम ही है, चार चीजें देखनी है आपके एसे में। उन चार चीजों को आप रीड करें, सबसे पहले आप उनको ऑब्जर्व करें। जो ही आप उनको ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे आपका ब्रेन उनको एब्जॉर्ब करेगा, और वो चीजें जब एब्जॉर्ब होंगी तो ऑटोमेटिकली दे विल कम आउट और आप उस तरह का लिखना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक। और लिसनिंग का, हाँ जी, लिसनिंग के लिए ये है कि आप आज से ही देखें, अभी हमारे पास YouTube है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो कि इंग्लिश में है, लेकिन IELTS लिसनिंग जो है वो है लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। उसमें आपने क्या करना है, सेक्शन 1, 2, 3, 4, चारों का स्टाइल अलग अलग है। सेक्शन 1 में तो सिंपल है जी, कोट का कलर क्या है, फ्लाइट की डेट क्या है। सेक्शन 2 में भी इसी तरह के क्वेश्चन है। सेक्शन 3 और 4 में एडवांस लेवल की लिसनिंग है। तो इसके लिए भी मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सुने। वेराइटी ऑफ डायलैक्ट्स, मतलब अभी का जो दौर है वो बड़ा आसान दौर है। आप अपना मोबाइल पकड़ लें, आपका मोबाइल एक दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ पे जो कुछ सीखना चाहें आप सीख सकते हैं। उसके बाद आपको कैम्ब्रिज की बुक्स मिल जाती हैं, उसमें लिसनिंग के टेस्ट हैं, उनको सॉल्व करें और अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई करें। बिल्कुल ठीक। अब तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं सारे लिसनिंग टेस्ट हो गए, रीडिंग के टेस्ट हो गए। जी जी। सर इंटरव्यू का इख्तिताम है, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा। आपका जनाब कासिम अली शाह साहब के साथ काफ़ी पुराना ताल्लुक है, आपकी काफ़ी पुरानी दोस्ती है और आपकी कम्युनिकेशन भी होती रहती है गाहे बगाहे। तो आप शाह जी के काम को, उनकी तालीमात को, उनके लेक्चर्स को, उनकी किताबों को आप किस तरह पाया, एज अ दोस्त आपने किस तरह पाया? देखिए जी, कासिम अली शाह साहब के बारे में मैं ये कहूँगा कि इन्होंने ऐसा रास्ता चुना है जो रास्ता नहीं था, मतलब इन्होंने रास्ता बनाया। मैंने इनकी सारी एफर्ट को देखा, डे वन से हम एक दूसरे को कॉल भी करते थे, एक दूसरे को गाइड भी करते थे, एक दूसरे से पूछते भी थे कि रेडियो पे जा रहा है तो क्या करना है। तो इन्होंने मतलब इनसे पहले मोटिवेशनल स्पीकिंग जो है वो डगमगा रही थी। पाकिस्तान में मोटिवेशनल स्पीकर कुछ थे लेकिन उस लेवल पर काम नहीं कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया रास्ता चुना और फिर पूरा आने वाले लोगों के लिए उन्होंने एक तो रास्ता बनाया और दूसरा इन्होंने साबित करके दिखाया कि जो मोटिवेशनल स्पीकिंग है, यू कैन जॉइन इट एज अ प्रोफेशन, इसको एक करियर बनाया जा सकता है, लोगों की जिंदगियां बदली जा सकती हैं। वरना इससे पहले, सॉरी टू से, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर उनके अपने हालात, देखिए मोटिवेशनल स्पीकर वो होता है जो जिसकी पर्सनैलिटी दूसरों को मोटिवेट कर रही हो। अब ये नहीं है कि आप बातें तो बहुत अच्छी करते हैं लेकिन आपके अपनी कोई अचीवमेंट नहीं है लाइफ की, आपका अपना कोई गोल आपने अभी तक अचीव ही नहीं किया, लोगों को आप कह रहे हैं भाई ये कर लो, लाखों कमा लो, और खुद आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो शाह जी के बारे में मैं ये कहूँगा कि इन्होंने सबसे पहले साबित किया है कि ये एक फील्ड मैंने बनाई है पाकिस्तानियों के लिए, और उसके बाद उस फील्ड पे चल के उन्होंने बताया कि इसकी एक्सट्रीम ये हो सकती है। माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे, अभी पूरी दुनिया में लोग उन्हें जानते हैं। और कासिम अली शाह के बाद बहुत सारे लोग, मतलब सिर्फ देखें जैसे होते हैं ना मूवीज़ को देख के लोग अपना हेयर स्टाइल बदल लेते हैं, अपना ड्रेसिंग स्टाइल बदल लेते हैं, शाह जी को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों में ये वलवला पैदा हुआ कि मैंने भी मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी कामयाबी। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, मैं बजाते खुद अक्सर शाह जी के बारे में सोचता हूँ, जब मैं डाउन फील कर रहा होता हूँ, जब मैं डीमोटिवेट होता हूँ, मैं सोचता हूँ यार शाह जी ने कितनी एफर्ट की करके यहाँ तक पहुँचे, तो मुझे भी डाउन फील नहीं करना। और फिर कभी कभार मैं उनसे बात भी कर लेता हूँ तो उससे ज़रा मुझे और मोटिवेशन मिल जाती है। तो शाह जी का जो काम है मैं उसको वाकई सैल्यूट करता हूँ, और मैं ये कहूँगा कि ही इज़ द पाइनियर ऑफ मोटिवेशनल स्पीकिंग एंड ही इज़ अ वंडरफुल राइटर एज वेल। मैंने बहुत सारी शाह जी की अपनी किताबें जो है मेरे स्टूडेंट्स मुझे गिफ्ट करते हैं,
मतलब उससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। बेशक ऐसी exactly. बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का, आपने टाइम निकाला। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन जो आइल्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह से इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।